मैं बहसियत एक तालिब इल्म हूँ, मुझे जहाँ से कोई अच्छी बात मिले मैं उसको हासिल कर लेता हूँ। मैं तो अल्लाह का एक फकीर आदमी हूँ, दुर्वेश आदमी हूँ। हदीस नबी है, काल नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्ले दाइन दवाउन फइजा उसीबा दवाउन अद्दा बारिया बेज़निल्लाह। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मर्ज के लिए दवा मौजूद है, जब दवा मर्ज के मुताबिक दी जाए तो फिर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से शिफा होती है। मुझे मेरे एक दोस्त जो के खुद भी दुर्वेश हैं, उन्होंने बताया कि मैं एक डॉक्टर के पास गया अपनी भतीजी को लेकर। उन्होंने टेस्ट किया तो लैब के टेस्ट में जो है बेशुमार पत्थरियां थीं मसाना में। तो डॉक्टर्स ने कहा इसका ऑपरेट होगा, लेकिन नौजवान बच्ची थी, अभी शादी भी नहीं हुई थी, तो मैं घर ले आया। फिर हमने और बहुत सारे टोटके इस्तेमाल किए मगर कहीं से शिफा ना हुई। फिर मैंने हदीस पढ़ी कलवंजी के हवाले से और शहद का, क्योंकि कुरान मजीद में जिक्र है। मैंने कलवंजी का तेल अपनी आंखों के सामने निकलवाया, गरम पानी लेकर, यानी नीम गरम पानी लेकर उसमें कलवंजी का तेल डाला और शहद डाला, तो उस बच्ची को इस्तेमाल कराया, बजरिया यूरेन जो है वो पत्थरियां खारिज हो गई और मैंने अल्लाह से शुक्र अदा किया। मैंने जब मैसेज सुना तो मैंने कहा ये आपका मैसेज जो है अल्लाह की रजा के लिए, लोगों को बताऊंगा कि जिनको गुर्दा या मसाना में पत्थरी है वो कलवंजी के असल तेल से, असल शहद डालकर और नीम गरम पानी डालकर आप पत्थरियों का इलाज कुदरती कर सकते हैं। और इसका अजर जो है मैं भी अल्लाह से मांगता हूँ और मेरे दोस्त दुर्वेश भी अल्लाह से मांगते हैं।